हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ व्यापम सब इंजीनियर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन हाईवे और रेलवे इंजीनियरिंग से पूछे गए थे, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप छत्तीसगढ़ व्यापम सब इंजीनियर सिविल के लिए सभी सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश में हैंड नोट्स चाहते हों तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका रेलवे इंजीनियरिंग से। रेलवे स्लीपर्स इन इंडिया आर यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भारत में रेलवे स्लीपरों का निर्माण आम तौर पर किसके इस्तेमाल करके किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आपका, पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग का यूज करते हैं, प्री टेंशनिंग का यूज करते हैं, पोस्ट टेंशनिंग का यूज करते हैं, या फिर प्री एंड पोस्ट टेंशनिंग दोनों का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। भारत में रेलवे स्लीपरों को बनाने के लिए आमतौर पर प्री टेंशनिंग का यूज किया जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि प्री टेंशनिंग वर्क के लिए तथा पोस्ट टेंशनिंग वर्क के लिए किस ग्रेड की कंक्रीट का यूज किया जाता है, तो आपका जो पूर्व तनन कार्य होता है उसके लिए M40 ग्रेड की कंक्रीट का यूज करते हैं, और आपके पश्चतनन कार्य के लिए M35 ग्रेड की कंक्रीट का यूज करते हैं। और अगर हम बात करें कंक्रीट के लिए अवपातमान यानी स्लंप वैल्यू, तो ये ली जाती है 75 mm, और जल सीमेंट अनुपात यानी वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 रखा जाता है। और आपके दोस्त प्री टेंशनिंग वर्क के लिए IS 1785 और पोस्ट टेंशनिंग के लिए IS 2090 का यूज किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है IRC रिकमेंडेशन फॉर मैक्सिमम विड्थ ऑफ ए व्हीकल इज, यानी वाहन की अधिकतम चौड़ाई के लिए इंडियन रोड कांग्रेस की अनुशंसा निम्नलिखित है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 1.75 मीटर, 2.0 मीटर, 2.44 मीटर, या फिर 4.88 मीटर। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, 2.44 मीटर। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको याद रखने होंगे। इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार वाहन के अधिकतम माप जो है वो निम्न होते हैं। अगर बात की लंबाई की, तो लंबाई जो है वो 10.60 मीटर, चौड़ाई आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है 2.44 मीटर, और बात करें उसकी हाइट ऊंचाई की तो ये 3.80 मीटर होती है। और आपका लास्ट पॉइंट दिया है कि आपकी जो डबल डेकर बस होती है उसके लिए ये हाइट 4.72 मीटर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मिक्सिंग वेल्ट मिक्स मैकेडम। ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछा है, गीले मिक्स मैकेडम की मिलावट के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है, ट्विन शाफ्ट मिक्सर, पैन मिक्सर, पग मिल, या फिर ट्रांजिट मिक्सर। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, गीले मिक्स मैकेडम की मिलावट के लिए जो है आपका पैन मिक्सर इक्विपमेंट सबसे सही है। और जबकि आपका जो पग मिल है उसका यूज ईंट की जो सॉइल होती है उसे गूंथने के लिए किया जाता है।
ये क्वेश्चन आपका हाईवे इंजीनियरिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेशन द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ए ड्राइवर एज पर आईआरसी इज टेकन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की कैलकुलेशन में आईआरसी के अनुसार किसी ड्राइवर का टोटल रिएक्शन टाइम क्या होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 2.5 सेकेंड होता है, 30 सेकेंड होता है, 7.5 सेकेंड होता है या फिर 1 सेकेंड होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, ये रहता है 2.5 सेकेंड। और अगर इसके साथ हम बात करें दर्श दूरी यानी साइड डिस्टेंस की, तो इसके लिए ड्राइवर के आँख की ऊंचाई जो है सड़क का जो तल होता है उससे 1.20 मीटर ऊपर ली जाती है और यही बाधा की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर ली जाती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स कंट्रोलिंग अलाइनमेंट यानी संरेखण को नियंत्रण करने वाले कारक कौन से हैं। छोटा, आसान, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन या फिर नन ऑफ अदर ऑप्शंस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि रोड अलाइनमेंट कहते किसे हैं। नक्शे या भूमि पर प्रस्तावित सड़क के मध्य रेखा की स्थिति सड़क का संरेखण यानी रोड अलाइनमेंट कहलाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि रोड अलाइनमेंट को कौन कंट्रोल करता है, तो ये कौन कंट्रोल करता है, सड़क का जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होता है इसके द्वारा करते हैं इसे। और लास्ट पॉइंट है आपका कि सड़क के ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में जैसे सड़क का संरेखण, सड़क की संरचना, निर्माण तल की चौड़ाई, आपका जो यानपथ होता है उसकी चौड़ाई, सड़क के शोल्डर या वर्म, सड़क का केम्बर, सड़क की अनुलंब ढाल इत्यादि महामार्गों के डिज़ाइन करते समय विचार में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट ए साइट सम अंडर वाटर एक्सक्वेशन एंड ड्रेगिंग इज टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर दिस जॉब। यानी कोई एक साइट है और वहाँ पर जलमग्न खुदाई और निकर्षण का कार्य होना है, इस कार्य के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। JCB, लोडर, ब्रेक लाइन या फिर डिपर सावेल। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, तो वहाँ पर सबसे मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट रहेगा ड्रेग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुश लोडेड स्क्रेपर्स आर टू बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अप टू व्हाट डिस्टेंस कैन बी डन कॉस्ट इफेक्टिवली। यानी आपका जो पुश लोडेड स्क्रेपर होता है उसका यूज सामग्री के परिवहन में किया जाता है, दिए गए ऑप्शन में से ये कितनी दूरी तक के लिए किफ़ायती हो सकता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं 75 मीटर, 1000 मीटर, 3000 मीटर या फिर 10,000 मीटर। तो पहले अगर हम बात करें स्क्रेपर की, तो स्क्रेपर का यूज मिट्टी के हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। ये मिट्टी खोदने, उठाने, ले जाने तथा निर्धारित स्थान पर भरने, समतल यानी प्लेन करने के लिए सभी कार्य के लिए किया जाता है। पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है पुश लोडेड स्क्रेपर के बारे में, तो आपका जो पुश लोडेड स्क्रेपर होता है इसका प्रयोग सामग्री के परिवहन के लिए 1000 मीटर की दूरी तक के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ व्यापम सब इंजीनियर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें आपके हाईवे और रेलवे इंजीनियरिंग से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका पार्ट 1 आज के इस वीडियो में हमने कर लिया है।
और पार्ट टू हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और छत्तीसगढ़ व्यापम के पूरे पेपर देखने के लिए प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें।